जी आई नो प्यारे विद्यार्थियों, सेवंथ क्लास दी मैथ दी बुक द चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उस दी एक्सरसाइज 8.3 दे अगले 5 क्वेश्चंस 6 to 10 इस वीडियो विच करन जा रहे हां। सो बड़े ध्यान दे नाल एक्सप्लेनेशंस नु सुनो, वीडियो पॉज करके जिहड़े आंसर्स तुहाडे लई तैयार कीते गए ने सॉल्यूशंस उहनां नु अपनी नोटबुक विच उतार लो ते एक्सप्लेनेशन सुन के फिर तुसी इह सारे सवालां नु बिना देखे अपने आप करने का अभ्यास जरूर करना है। सो आओ शुरू करिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन, अर्थात जूही कपड़े धोने वाली मशीन बेचती है। सेल्स मैंने बेचती है किन्ने दी? 13,500 रुपीज, 13,500 दी। ठीक है, शी लूजिज 20% इन द बार्गेन। बार्गेन होंगे सौदा, ते इस सौदे विच वो 20% का टोटा खटदी है, अर्थात उन्होंने 20% का घाटा होंगे। हुण 20% क्या है, किन्ने पैसे ने, यह नहीं पता है, पता लगाना है आप, ठीक है ना, यह पता लगेगा सानू। कहिंदे व्हाट वाज दी प्राइस एट विच शी बॉट इट, कहिंदे वो दसो भी उन्हें वेची तो इन्नी दी सी, ते जे यह लॉस हो 20% ते दसो उन्हें किन्ने दी खरीदी सी। यह जिहड़े पहले असीं क्वेश्चन किए सी फोर्थ एंड फिफ्थ, है उसी किस्म का है। तो इस क्वेश्चन भी असं दो तरीके करांगे, और मैं तुम्हें पहले भी कहा सी ये क्वेश्चन थोड़े टेढ़े ने, ते तीन क्वेश्चन जोड़े हुए 4, 5 और 6, ये तीनों क्वेश्चन तुसी थोड़ा ज़्यादा बार कर लेना, भावें समझ भी आ जाए पर अलग अलग मौक़ों पर इन्होंने क्वेश्चन 6-7 वारी दोनों तरीकों के करो। सो देखो कितना शुरू करना है, SP इज इक्वल टू 13,500 सैलिंग प्राइस दिता हुआ, एंड लैट दिस कॉस्ट प्राइस कि किन्ने की खरीदी सी इज इक्वल टू एक्स। ए मान लो लॉस केड़े बराबर होंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट होंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो लॉस होंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेवन सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस किन्नी है एक्स, मनी है आप, सेलिंग प्राइस किन्नी है 13,500, सो लॉस हो गया एक्स माइनस 13,500, एंड लॉस परसेंट किन्ना है 20% है दिता हुआ, लॉस 20% दिता हुआ, पर सानू यह नहीं पता भी अमाउंट किन्ना है। देखो इस करके एक्स माइनस 13,500 लॉस हो गया, जो परसेंट विच 20% है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। हमें सारी गल्ला असी विच भर देवे। सो लॉस किन्ना है एक्स माइनस 13,500, कॉस्ट प्राइस किन्नी है एक्स बटा एक्स इनटू 100%, तो लॉस किन्ना है 20% है ना। सो 20 इतने आ गया, तो इज इक्वल टू एक्स माइनस 13,500 बटा एक्स गुणा 100, एवला परसेंट एवले परसेंट ना कट गया। ठीक है, सो इतने परसेंट दोबारा लिखना नहीं, इतने 20 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ए आ गया थोड़ा हूँ इक्वेशन बन गई, इन हूँ इनू हल कर लेंगे। ए इतने चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, ए डिवाइड हो रहा है इतने के मल्टीप्लाई कर देगा 20x इज इक्वल टू एक्स माइनस 13,500 इंटू 100। यदा मतलब की है कि 20x बराबर 100 नूं इन्ना गुणा किया 100x, तो माइनस इन्ना गुणा किया तो यह बन जाएगा थोड़ा 13,50,000, 13,50,000 बन गया। ठीक है, और 13,50,000 के बराबर हो गया, इनू इतने लै गए क्योंकि असी एक्स जड़े ने एक थान पर करने ने, यह माइनस है गया इतने, अगर प्लस हो गया यह प्लस हो गया, इज इक्वल टू 100 इतने है ही है, तो 20 इतने लगा पिछे राइट हैंड साइड से माइनस हो गया। सो 100x माइनस 20x जो हो गया 80x के बराबर, सो 80x इज इक्वल टू 13,50,000। ठीक है, एक जीरो ना एक जीरो कट जाएगी, तो एक्स एक्स के बराबर हो जाएगा 13,50,000 बाय 80। जिले एक जीरो ने एक जीरो कट्टी, तो जिले 8 के नाल इनू भाग करांगे तो साडा जवाब आ जाएगा एक्स बराबर कॉस्ट प्राइस बराबर 16,1875, अर्थात 16,875 रुपए की उन्हें खरीदी सी, तो 13,500 रुपए की उन्हें वेची। हुण बच्चों मैं तुहानू एक होमवर्क दिना, होमवर्क है वे कि इहदे विच ही सवाल एक दूजा बन जाएगा। मान लो कि यह कॉस्ट प्राइस है जो साडा आंसर है, हुण इह कॉस्ट प्राइस नूं सवाल मान लो, यह कॉस्ट प्राइस है तो यह सैलिंग प्राइस है, तो हुण मेरा सवाल है कि तुसी लॉस परसेंट कढ़ो। हुण बच्चों जिले तुसी लॉस परसेंट कढ़ोगे तो वह 20% के बराबर आना चाहिए है। यह हो गया सवाल नूं दूजे पासे गेड़ा देता आपां, ठीक है, उल्टा करता भी, हुण सानूं यह जिहड़ा आंसर आया असीं इहनूं क्वेश्चन का हिस्सा बना दिता, तो यह जिहड़ा क्वेश्चन दिता इहनूं असीं हुण आंसर ना बना लाँगे। सो यह हो गई कॉस्ट प्राइस, यह हो गई सैलिंग प्राइस, तो मैं तुहानूं कहिंदा भी तुसीं पता करो कि किन्ने लॉस परसेंट होया,
तो जवाब 20% आना चाहिए है। यह मतलब होगा कि साडा सवाल ठीक है, जवाब साडा ठीक है। आओ हुण इसी सवाल नूं दूजे तरीके नाल करिए। सैकेंड मैथड बड़ा सौखा है, बड़ा वधिया तरीका है। कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन मार्क कढ़नी है, सैलिंग प्राइस दिती हुई है 13,500, ठीक है। ते अगे हो गया लॉस परसेंट 20% दिता है, ते फॉर्मूला याद रखना है, कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट पा के 100 माइनस लॉस परसेंट इज इक्वल टू 100 सेलिंग प्राइस। जे प्रॉफिट हो तो प्लस करके प्रॉफिट कर देना है, ठीक है। जे सेलिंग प्राइस लभनी है तो एट ए जड़ा हिस्सा है इनू खब्बे पासे कर लो, इस हिस्से नू सज्जे पासे कर लो, क्योंकि मैं कॉस्ट प्राइस लभनी है इस करके मैंने खब्बे पासे लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लिया। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कि बराबर हो जाएगी, ए जी चीज़ है मल्टीप्लाई हो रही है, ए ये थले आ जाएगी 100 SP के थले। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 SP डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इज इक्वल टू 100 गुना सेलिंग प्राइस बटा 100 माइनस 20, लॉस परसेंट 20 है। सो 100 चो भी गया 80, तो हम जल्द इनू 80 नाल भाग करांगे, या एक जीरो कट गया तो 1,35,000 मतलब 13,500 सॉरी 1,35,000 नूं जिले करांगे, 1,35,000 जिले रह जाएगा जिले, तो 8 नाल भाग करांगे, देखो 1,35,000 नूं जिले 8 नाल भाग करांगे तो आ जाएगा 16,875। दस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 16,875, यह है दूसरा तरीका। सो बच्चों तुहाडे कोल 3 सवाल हो गए इस किस्म के, जिस कॉस्ट प्राइस लभनी है या सैलिंग प्राइस लभनी है, यह बड़े इंपोर्टेंट सवाल ने, मैं फिर कह रहा। तो तीनों सवालों फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ नूं दोनों तरीकों के नाल तुसीं बार बार जरूर कर लो। अगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अनीता टेक्स अ लोन ऑफ ₹5,000, लोन बनता कर्जा। अनीता ने 5,000 का कर्जा लिया एट 15% पर ईयर, 15% ब्याज से, एक साल का ब्याज 15% है, एज रेट ऑफ इंट्रस्ट ब्याज की दर से 15% ब्याज की दर से उन्हें 5,000 रुपया लोन लिया, कर्जा लिया। फाइंड द इंट्रस्ट ब्याज पता करो, शी हैज़ टू पे जो उन्होंने पे करना पेगा, उन्होंने अदा करना पेगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अखीर में जिन्ना ब्याज उन्होंने देना पेगा वो पता करो। बड़ा सौखा सवाल है बच्चों। प्रिंसीपल असी पी कहने वो आता है अमाउंट जोड़ा कर्जा लिया जाता है या कर्जा दिता जाता है, उन्होंने कहते प्रिंसीपल अमाउंट मूल, तो रेट ऑफ इंट्रस्ट जोड़ा है आर होंगे वो 15% है, ठीक है जी। तो टाइम होंगे किन्ने साल ले लिया, एक साल ले लिया, सो टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। बस हूँ फॉर्मूला है बच्चों, नाउ इंट्रस्ट आई इज इक्वल टू PRT बटा 100, यह फॉर्मूला है, तुम्हें याद होना चाहिए, तुम याद रख लो। पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कितना सौखा है ना, अगे वो होंगे PRTC होंगे, पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, तो सी हटा दो तो PRT या पार्टी याद कर लो, पार्टी PRT नहीं तो पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट, यह है इंट्रस्ट के बराबर, ठीक है बच्चों। हूँ यदि वैल्यूज भर दी, पी है 5,000, आर है 15, टी है 1, तो 2 0 के नाल 2 0 कट गई, तो 15 0 0 तो 15 5 75, 50 × 15 750। दस अनीता हैज़ टू पे ₹750 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, अर्थात 5,000 ब्याज लैके 5,000 का मूल लैके उन्हों एक साल मगरों 15% के हिसाब के 750 रुपया ब्याज देना पेगा, मूल वाले देना है, कला ब्याज है वो कर्जे दे वजो जो उन्हें पैसे देने ने वो 750 रुपये ब्याज के तौर पर साल के अखीर में देने पैणगे। इस तरह बच्चों ब्याज कैलकुलेट करीदा, यह प्रैक्टिकल चीज़ा ने साड़ी जिंदगी विच वरतों वाली चीज़ा ने, काम आने वाली चीज़ा ने, तो इन्हां पासे बड़ा तुसी तवज्जो देनी है, ध्यान देना है, ठीक है। अगे चलिए अभी इंट्रस्ट का सवाल है, थोड़ा दूजे पासे घुमा के वे। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस, दो पार्ट ने दोनों केसों में कहते दसो कि 3 साल के अखीर में 3 साल के अखीर में कितना अमाउंट देना पेगा, ब्याज नहीं क्या अमाउंट, तो अमाउंट की होंगे बच्चों मूल दे विच ब्याज जोड़ दो, उन्हूं कह देंगे अमाउंट भी कुल कितना देना पेगा, एक तो मूल लिया सी मूल भी मोड़ना है तो नाल 3 साल का ब्याज भी मोड़ना है, ठीक है। हुण इहदे कोल प्रिंसीपल इज इक्वल टू 1,200 रुपया है, तो ब्याज है 12% पर एनम, इन PA का फुल फॉर्म होंगी पर एनम का मतलब पर ईयर, अर्थात 1 साल का ब्याज है 12%। सो बच्चों फॉर्मूला सानू पता है, आई इज इक्वल टू PRT पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट प्रिंसीपल रेट टाइम बटा 100, ठीक है। पर सानू की चाहिए, असी पता लगाना है बच्चे अमाउंट, अमाउंट का मतलब कि असी पता लगाना है इंट्रस्ट। सो असी आई आई इतने दिता ही है, आई इतने रखना इदा, तो वैल्यू पालनी पी 1,200, आर 12, तो टी है 3/100, 2 0 ना 2 0 कट गई,
तय बन गया 12 गुणा 12 गुणा 3। सो 12 बार 144, 144 गुणा 3 आ गया 432। सो दस दी अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इज इक्वल टू पी जमा आई। सो पी कितना है 1200 जमा ब्याज जुड़ गया 432। सो कुल ₹1632, 1632 रुपए उन्होंने 3 साल मगरों देने पैणगे। जिहड़े बंदे ने 1200 रुपए 12% ब्याज से लेने 3 साल मगरों, उन्होंने सारा पैसा इदा मुड़ना। एक तो मूल हो गया, तो 3 सालों का ब्याज हो गया। ठीक है, अगे चलिए। सैकेंड पार्ट देखिए बच्चों, वही सवाल है, तो हूँ अमाउंट वक्रा हो गया, 1575 रुपए ले तो 5% ब्याज से ले। तो इसी तरह फॉर्मूला लिख देना, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। ए वैल्यू भर दी 7500 गुणा 5 गुणा 3, 2 0 ना 2 0 कट गई। सो 75 गुणा 15, 15 5 75, 5 आ गया 7 हासिल, 15 7 105, 105 और 105 7 हासिल, 15 5 75, 5 ते 7 हासिल, 15 7 105, 105 और 7 112। सो 112, 1125 रुपये हो गया ब्याज 3 सालों का। दस दी अमाउंट टू बी पेड एट दी एंड ऑफ 3 ईयर्स इज इक्वल टू ₹75, ए प्रिंसिपल है जमा ब्याज इज इक्वल टू ₹8625, 8625 रुपये उन्होंने 3 सालों के अखीर च बंदे नूं देने पैणगे, क्योंकि यह है मूल, तो यह मूल के उत्ते 3 सालों का है ब्याज। बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन ने बच्चों, इन्हों नूं बड़े ध्यान नाल देखो, यह चीज़ें असं घर में रोज़मर्रा की जिंदगी वरतते हाँ। अगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द टाइम वैन सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2500 एट 6% पर एनम, पर एनम ने पर ईयर इज ₹450। हुण बच्चों इस सवाल को थोड़ा घुमा दिता है, यह कहते इंटरेस्ट नहीं लभना, तुसी टाइम लभना है। तो की देता है उन्होंने, प्रिंसिपल देता है, रेट देता है, तो इंटरेस्ट देता है, मतलब इंटरेस्ट देता है। हुण टाइम पता करो। सो सानू पता है बच्चों, पी इदा लिख लिया पहले, पी इज इक्वल टू इन्ना, आर इज इक्वल टू इन्ना, इंटरेस्ट इज इक्वल टू इन्ना, तो टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले हमेशा इदा लिख लेना चाहिए, उन्ना काम साडा बड़ा सौखा हो जाता है। सो इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू ए फॉर्मूला PRT/100। पर बच्चों आई दिता हुआ, असी पता लगाना है टाइम। सो मैं टाइम ने एक पासे अलग कर लिया, जब मैं टाइम नो एक पासे कर लवा, तो यह 100 उपर चला जाएगा, 100 गुणा आई हो गया, तो पी गुणा आर ए थले आ जाएगा, P गुणा आर। सो टी इज इक्वल टू I/100/P/R, मतलब इसी फॉर्मूले का हेर फेर बदल हो गया, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट दिता है, मैं टाइम पता लगाना है। सो मैं टाइम नो कला कर लिया, जुदा कर लिया, तो बाकी चीज़ों ने मैं हटाना है। यह थले हैगी 100, यह उपर चला जाएगा, यह उपर है ने यह इतने थले आ जाएंगे, जोड़े मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो डिवाइड कर देंगे, जोड़ा डिवाइड कर रहा है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। यह सारी गल्ला बच्चों चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस विच असी कर चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं, सीख चुके हैं। ठीक है, सो टी इज इक्वल टू हो गया I/100/P/R। सो वैल्यू भर देती हैं, I 450 गुणा 100/2500 गुणा 6, 2 0 ना 2 0 है कट गई, तो बच गया 450/25 गुणा 6 होंगे 150, फिर 0 ना 0 कट गई, तो 15 30 45, 3 साल। दस दी टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स, अर्थात 3 सालों बाद ब्याज 450 रुपये बनेगा, जे मूल हैगा प्रिंसिपल हैगा ₹2500, तो ब्याज हैगा 6%। ठीक है, अगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन आ गया इस वीडियो का, वाइंड दी रेट ऑफ इंटरेस्ट वैन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1516 3 ईयर्स इज ₹585। हूँ बच्चों देखो, यह भी उसी किस्म का सवाल है, ये इंटरेस्ट नहीं पता लगाना, इंटरेस्ट दिता है, पर यह हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। पहले से टाइम पता करना है, हूँ कहते रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करो। सो इसी तरह इसका लिख देना, पहले पी इज इक्वल टू इन्ना लिख दिता, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करता, जो पता करना है रेट, इंटरेस्ट इन्ना दिता हुआ है, टाइम भी दिता हुआ है। इसी तरह बच्चों लिख लिया, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। हुण मैं आर पता लगाना है, तो मैं आर नूं जुदा कर लिया, आर नूं इत्थे रख लिया अलग, आर लिख लिया बराबर, तो 100 उपर चला गया, I/100, तो आर नूं छड़ के की बच गया, पी और टी बच गया। सो पी और टी थले आ गए, सो P/T। बस यह फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो गया, फॉर्मूला चेंज हो गया, यह फॉर्मूला हो गया आई का, तो यह फॉर्मूला हो गया आर का। ठीक है, हुण इज इक्वल टू कहते बराबर, आई है 585, 100 का 100 आ गया, पी है 1560, टी है 3। ठीक है बच्चों, हूँ असी की किया, 1 0 ना 1 0 कट गई। ठीक है, 156 रह गया कला, फिर 3 ना कटियानू, 3 दा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 8 28, 3 निम 27, 28 चौ 27 गया 1 15, 3 5 15, सो 195, तो 1 0 इतों बचा सी, 195 0/56, जल्द इनू भाग करांगे तो आ जाएगा आर इज इक्वल टू 12.5। दस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12.5%
एनम। यह बच्चों परसेंट का निशान भी लगाना है तो पर एनम का भी लगाना है, यह जरूर लिखना है पर एनम, क्योंकि इंट्रस्ट की यूनिट हैगी है। यह दसना तो पेगा ना भी इंट्रस्ट हूँ 12.5 की होया, अर्थात 12.5% पर एनम एक साल की ब्याज की दर हैगी है 12.5%। सो इस तरह बच्चों सवाल करने ने, ठीक है। सो यह सन बच्चों थोड़े 10 क्वेश्चन अपने 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 दे। हूँ एक वीडियो होर बनेगा तो उस वीडियो के नाल साडी एक्सरसाइज के नाल ही यह सारा चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज खत्म हो जाएगा। सो प्यारे विद्यार्थियों, तुसीं इसी तरह मन लगा के अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो ते अगले वीडियो तक ले गुड बाय। थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, रब रखा, थैंक यू वेरी मच।